खबर भारतीय सेना से जुड़ी हुई। भारतीय सेना का एक दल आज कजाकिस्तान के लिए रवाना हुआ, जहां भारतीय सेना के जवान कजाकिस्तानी सेना के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रही है। काजिंद 23 के नाम से शुरू होने वाला यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 30 अक्टूबर यानी कि कल से शुरू होगा, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं एंटी टेररिज्म ऑपरेशन को लेकर अपनी क्षमताओं को विकसित करेंगी। अपने रण कौशल को परखने, उसमें और निखार पैदा करने और भारत कजाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाने के मकसद से भारतीय जवानों का दल निकल चुका है कजाकिस्तान के लिए, जहां दोनों देशों के जवान काजिन 2023 नाम से सैन्य अभ्यास करेंगे। 30 अक्टूबर से शुरू होने वाला ये युद्धाभ्यास 11 नवंबर तक चलने वाले इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना की 120 कर्मियों की टुकड़ी कजाकिस्तान के लिए रवाना हो गई है। दोनों ही मुल्क की सेनाएं अपने अपने रण कौशल का शानदार प्रदर्शन करेंगी। भारत और कजाकिस्तान के जवान जंगल वॉरफेयर और सेमी अर्बन इलाकों में आतंकवाद से निपटने की रणनीति और कला कौशल का अभ्यास भी करेंगे। हर तरह के हालात में अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर ये जवान इस अभ्यास के जरिए अपनी तैयारियों की तस्दीक करेंगे। भारतीय सेना की टुकड़ी में डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन शामिल है, जिसके नेतृत्व में 90 जवान शामिल हैं। वहीं कजाकिस्तान दल का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से कजाक ग्राउंड फोर्सेस के दक्षिण क्षेत्रीय कमान करेगी। इस अभ्यास में दोनों देशों की वायु सेना भी भाग ले रही है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों की सेनाएं आतंकवाद विरोधी अभियानों के संचालन समेत कई अभ्यास करेंगी, जिसमें छापेमारी, खोज और विनाश संचालन शामिल है। भारत और कजाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास का सिलसिला 2016 से चल रहा है। 2016 में प्रबल दोस्तीक अभ्यास के रूप में इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद 2018 में दोनों देशों की सेनाओं के सालाना अभ्यास को काजिंद नाम दिया गया था और 2023 में काजिंद 23 नाम से ये अभ्यास किया जाएगा। सेना के मुताबिक ये साझा अभ्यास भारत कजाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग को नया आयाम देना और दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।